हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करण भावसार में। इट्स 5:25 इन द मॉर्निंग और वेदर है 21 डिग्री सेल्सियस और हम जा रहे हैं अहमदाबाद के पास बर्ड सेंचुरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। सो अभी हम शिवरंजनी सर्कल के पास रुके हैं माँ रजवाड़ी टी स्टॉल में चाय पीने के लिए। सो फाइनली अभी हम आ गए हैं नल सरोवर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है कार पार्किंग। यहाँ पे मेरे पीछे अभी हॉर्स राइडिंग चल रही है, 200 वाला है, 200 वाला है। काफी सारे बाइकर्स भी यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ पर कार पार्किंग के 500 रुपए है प्राइस चार्ट है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारी अनयूज्ड बोट यहाँ पे है और पीछे है सरोवर। तो यहाँ पर सारी स्क्रैप कार्स पड़ी हुई है। जब आप नल सरोवर में एंट्री करते हो तो 1 किलोमीटर से पहले, अभी मैंने जो आपको आगे बताया, वहाँ से आपको टिकट परचेस करनी होती है। 1 से 6 पर्सन होते हैं तो 500 रुपये की कार के साथ एंट्री होती है। तो यहाँ पर एक पब्लिक नोटिस है, देख लेना क्या लिखा हुआ है इसमें। जो आप देख रहे हो वो मैप है और यहाँ पर जो बर्ड्स आते हैं उनका लिस्ट दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो मेरे साथ आए हुए हैं मनन और हिरवा। हेलो फ्रेंड। सो अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है सरोवर, यहाँ से शुरू होती है बोटिंग। ये जो नल सरोवर है वो 121 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये अप्रोक्सीमेटली अहमदाबाद से 64 किलोमीटर दूर है। सो यहाँ से आपको टिकट परचेस करनी होती है बोटिंग के लिए। ये सारे लोग है जो बोटिंग करवाते हैं और आपको यहाँ पर आके बार्गेनिंग करना होता है। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। हमारे साथ है अजीम भाई जो हमें 6 टापू घुमाने वाले हैं और देखेंगे कि क्या क्या है ये टापू में। सो अभी सारे हम बोट में बैठ गए हैं और मेरे साथ है मनीष भाई का फैमिली और हिरेन भाई का फैमिली और काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। हमने जो आप बर्ड्स देख रहे हो उसका नाम है वाइट इग्रेट्स। तो आपको ऐसे ग्रुप में ही देखने को मिलेंगे। सामने जो आप बर्ड देख रहे हो वो है ब्लैक हाबीस। हमने जो आपको बर्ड्स दिख रहे हैं उनका नाम है गॉडविल, जो एक ही लाइन में सफर करते हैं। ये पत्ते की डिजाइन बहुत ही मजेदार लग रही है। वो है ग्रेहरोन जो साइबेरिया से आते हैं। हाँ देखो ये सारे ग्रेहरोन है। हमारी बोट आते हुए देखी तो ये सारे पक्षी अभी उड़ गए हैं। विकोटोमोरन। सामने जो आप बर्ड्स देख रहे हो वो है विकोटोमोरन्स, जो 5 मिनट तक पानी में रहते हैं और बाद में अपना शिकार करते हैं फिश का, और उसके बाद वो ऐसे अपने पंख सुखाने के लिए सामने पेड़ पे बैठे हुए हैं। अभी चारों तरफ यहाँ पर घास आ गया है। पल पे मोरन जो कनाडा से आते हैं वो बर्ड से सामने आप जो देख रहे हो। तो अभी हम जो आइलैंड पे आए हैं उसे स्क्वायर बेट बोलते हैं, यानी कि ये स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे टापूज है जिसपे आपको ये बोट घुमाने ले जाएगी, पर आप जब भी आते हो यहाँ पर तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होता है टिकट का, क्योंकि आप जब टिकट परचेस करते हो तो 1500 रुपये होते हैं 6 पर्सन के और एक ही टापू दिखाते हैं, पर यहाँ पर घूमने के लिए टोटल। पर अभी हम 6 टापू घूमने वाले हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब नए वीडियोस डालूँ तो आपको अपडेट्स मिलते रहे। देखो यहाँ से ये पूरा स्क्वायर आपको नज़र आएगा,
इसीलिए ये टापू को स्क्वायर टापू बोलते हैं। ये जो नल सरोवर है यहाँ पे 210 प्रकार के बर्ड्स आते हैं विंटर में। यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम जो है वो दिसंबर में, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर में काफ़ी सारे बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। अभी नवंबर चल रहा है, अभी हम नवंबर में आए हैं तो थोड़े बर्ड्स कम देखने को मिले, पर आप सुबह 4 बजे यहाँ पे आ जाओ तो 4 से 6 में काफ़ी सारे लोग होते हैं और लाइन भी काफ़ी ज़्यादा होती है और बर्ड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये कमल निकाला है, ये देखो कितनी बड़ी इसकी ये बेल है। क्या बात है, सारी ये कमल वाली है, आप देख सकते हो काफी सारे यहाँ पे कमल खिले हुए हैं। यहाँ पर भी काफी सारे अभी कमल है, हमने भी अभी थोड़े कमल हाथ में लिए। कमल वाली का दूसरा नाम है भाजप वाड़ी यूज। बहुत सारे कमल है यहाँ पे। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो है अकोरी जंगल। बोलो 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 बोलो। अकोरी जंगल में अकोरी बाबा आते हैं। यहाँ पे घास की जो लंबाई है वो 12 फुट तक है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, फोटो खींचना भी अच्छा लगता है, फोटो अच्छी आती है। ये सारा आप जो देख रहे हो उसे बोलते हैं अघोरी जंगल। यहाँ पे अघोरी बाबा है तो नहीं, पर जंगल बोलते हैं, सिर्फ नाम ऐसा रखा है। आप पीछे देख सकते हो कितने सारे वाइट कमल है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं द्राबला आइलैंड पे, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप खाना भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे लाइव बाजरे का रोटलो बोलते हैं गुजराती में, वो बनाते हैं और आपको खिलाते हैं। ये सब मिलता है यहाँ पे, सब मिलता है, पूरी प्लेट मिलती है, पूरी प्लेट। क्या प्राइस होता है? वन भोजन गर्मा गर्म चूल्हा नु खाणु कलाड़ी नो रोटलो टनाटन मजा आवे। गैस नु खाई गैस तन चूल्हा नु खाओ तो मजा आवे। यहाँ पे अभी ये बाजरे का रोटला बना रहे हैं चूल्हे पर। ये देखिए यहाँ पे एक बना हुआ है। और सब्जी में क्या होता है? बैंगन का भरता होता है। ये बैंगन का भरता है, आलू, आलू की सब्जी, लसनिया बटे का, लसनिया बटे का। और छाछ भी होती है ना, छाछ भी होती है ना। सेव टमाटा भी है, सेव जो डाली नहीं है, सेव टमाटा है यहाँ पे, सेव टमाटा है। सो आप जब भी आइलैंड पे आते हो तो यहाँ पे ऐसे काफी सारे किचन्स है जो आपको खाना खिलाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक किचन है और आप ऐसे शांति से बैठ के इसके नीचे आप खाना एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर बोट रखी हुई है। यहाँ पे जो खाना बनाते हैं वो चूल्हे पे बनाते हैं, यानी कि टेस्टी होता है। गैस का जो खाना होता है उससे काफ़ी अच्छा होता है ये खाना। ये जो बेट है उसे द्राबला बेट बोलते हैं, जहाँ पर हर एक राइड्स यहाँ पे आती ही है। और अभी आप सामने जो देख रहे हो वो है टावर, वहाँ से आपको मैं आप ये नज़ारा दिखाऊंगा कि कैसा दिख रहा है ये पूरा नल सरोवर। यहाँ पे एक सूचना लिखी हुई है कि ये बिल्डिंग थोड़ा डैमेज है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर आप जा नहीं सकते। सो अभी मैं टावर के ऊपर आया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा नज़ारा यहाँ का दिख रहा है। चारों तरफ आप जो देख रहे हो वो है नल सरोवर और यहाँ पर है ये टावर। सो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? इधर एटमोसफियर बहुत ही मज़ेदार है। और एक बात इधर है कि बर्ड्स की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जरा से भी आवाज़ से वो दूर भाग जाते हैं। सो बोटिंग करके जब आप ये आइलैंड पे आते हो तो बोटिंग के दौरान आपको काफ़ी सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने देखा वाइट स्टॉक्स, अन्य ब्रह्मिनी डक्स था और हेरोंस करके एक बर्ड्स है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और फ्लैमिंगो भी यहाँ पे आते हैं, पर इस बार फ्लैमिंगो आए नहीं है, वो पता मे भी दिसंबर में आने वाले हैं। तो आप दिसंबर में आओ तो यहाँ पे आपको फ्लैमिंगो दिखने को मिलेंगे, पर यहाँ पर दिसंबर में भीड़ यानी कि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आपको बहुत ही सुबह आना पड़ेगा तो ही आपको ये। और वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 300 या 350 बोट्स है। सो जब आप दिसंबर में आओगे तो यहाँ पर आपको वेटिंग भी करना पड़ेगा बोट के लिए, तो आप वो सब प्लानिंग करके आओ, यहाँ पे बहुत ही मज़ा आएगी। तो अभी यहाँ पर हमारी प्लेट बन रही है सेव टमाटा का साग, यहाँ पर है आलू की सब्जी और यहाँ पर है रोटलो और
घी बटर लगाया या घी है? घी 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 और अलग से गॉड भी है यहाँ पे, तो टेस्ट करते हैं। यहाँ पे चटनी भी है और टेस्ट करके देखते हैं। सो आपको यहाँ पर टेस्ट कैसा लगा ये खाने का? अच्छा है, ये भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे बाजरी का रोटला भी बहुत अच्छा है। राजा की समाधि है ये। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल करण भावसार को सब्सक्राइब करो।